नमस्कार जय जोहार जय छत्तीसगढ़ रायपुर दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम विकास के पथ पर आप सभी का स्वागत है आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन चुनौती एवं समाधान इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में बतौर अतिथि मौजूद है श्री प्रफुल्ल ठाकुर जी एस पी सिक्योरिटी सर आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हम चर्चा की शुरुआत करते हैं सर पुलिस प्रशासन में आपका लंबा अनुभव रहा है मैदानी क्षेत्रों में अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में आप जिम्मेदारी वाले पद पर पदस्थ थे कैसा अनुभव रहा अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में आपका जहाँ तक अति प्रभावित क्षेत्र की बात है मैं 2005 से लेकर आठ तक एस डी ओ पी कोंटा रूप में काम किया उस टाइम में काफ़ी चुनौतियाँ थी वहाँ पर आपको पता होगा एक उस टाइम अभियान चल रखा था सलवा जड़ूम करके उस टाइम की गवर्नमेंट थी और मैं वहाँ पे एज ए एस काम किया और साथ में 2008 का इलेक्शन भी मैंने वहाँ पे वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर संपन्न कराया तो निश्चित ही उस समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और उस बीच सबसे बड़ी चुनौतियाँ जो मैंने फेस किया एक तो रोड को लेकर था ट्रांसपोर्टेशन को लेकर था आ, पूरा आ, कोंटा आ, कोटा से लेकर तक का रोड का बड़ा बुरा हाल था जबकि वो नेशनल हाईवे रोड है मतलब आना जाना ही बहुत बड़ा संघर्ष था इसके अलावा जितने भी हमारे कोंटा सब डिवीजन के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं हम चाहे केश्टाराम की बात करें चाहे गोलापल्ली की बात करें चाहे मरईगुड़ा की बात करें चाहे भेजी की बात करें इन सभी जगह के जो हमारे थाना थे वो बिल्कुल कोंटा पे डिपेंड थे और वहाँ पर चूँकि सोलह जुड़ूम के चलते वहाँ के जितने भी नागरिक सभी कैंपों में आ चुके थे और सिर्फ वहाँ पर हमारा फोर्स रहा करता था एक तो उनका एडमिन मूवमेंट और कई जवान थे उनको छुट्टी भी जाना रहता था मेडिकल इशूज़ भी रहते थे तो उस टाइम उनको वहाँ से लेके आना बाहर लेके जाना फिर वापस उनको छोड़ना ये काफ़ी काफ़ी चैलेंज था प्लस उनके चूँकि वहाँ के पूरे मार्केट बंद हो चुके थे तो उस टाइम में मार्केट बंद होने के कारण वहाँ पे हम लोगों को हर थाना क्षेत्र में राशन पहुँचाना पड़ता था तो वो भी एक बहुत बड़ा अभियान था एडमिन मूवमेंट के तहत जहाँ तक ऑपरेशन का सवाल है ऑपरेशन उस टाइम में जैसे कि उस टाइम में वहाँ पर सीआरपी का कंपनी वहाँ पे हमको मिला हुआ था इसके अलावा बीच में नागा बटेलैन की भी के उनकी कंपनी आई साथ ही मिजोरम की भी कंपनी आई इनके साथ भी मिलके हम लोगों ने काम किया लेकिन सभी का काम करने का तरीका अलग अलग था और हमारा जो लोकल लोकल पुलिस छत्तीसगढ़ स्टेट का साथ में छत्तीसगढ़ का सी और छत्तीसगढ़ का एस इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया चाहे वो रोड रोड ओपनिंग की बात हो चाहे ऑपरेशन की बात हो चाहे वी मूवमेंट के दौरान में सुरक्षा देने की बात हो उन्होंने काफ़ी लेकिन उस बीच काफ़ी इंसिडेंट भी हुआ इंसिडेंट में काफ़ी जवानों की शहादत हुई और जिसके चलते उस टाइम पूरी मतलब बस्तर पूरा मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं पर बस देश में एक अलग नक्सली पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इसका नाम गया और उसमें मैं जो अनुभव किया उस टाइम जैसे कि चाहे मिजो की फौज थी चाहे नागा बटालियन की फौज थी चाहे सी के उसमें डिफरेंट स्टेट के लोग रहते हैं और उन डिफरेंट स्टेट में कही न कहीं ना कहीं उनके जब एक जवान यहाँ से शहीद होते निश्चित ही जो जिस स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट के प्रति इस स्टेट के मन में थोड़ा सा एक बात आई कि वहाँ पर हमारे जवान के साथ ऐसा ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक व्यवस्था थी लेकिन उस टाइम जो सिचुएशन है और आज के सिचुएशन में काफ़ी चेंजेस देखने को देखने को मिल रहा है जैसे कि मैं जो अनुभव किया हूँ सबसे बड़ी चीज़ है बस्तर बस्तर को समझना बस्तर के बारे में पहले कहा जाता था कि असम स्टेट के इतना उसका भूभाग है जी। और आप अगर हम आज के जो अविभाजित जो मध्य सॉरी बस्तर था और बस्तर जिले में जो उसका व्यू आप एरिया कहें या उसका बॉर्डिंग हम बात करें तो हम बस्तर का हम पूरा देखें एक साइड महाराष्ट्र स्टेट उस ज़माने में आंध्र प्रदेश उड़ीसा ये तीन स्टेट का बॉर्डर में पूरा बस्तर को कवर करता था इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया आपको पता होगा कि जो नक्सलिज्म का जो उत्पत्ति था नक्सलवाड़ी वेस्ट बंगाल से था लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ब्रेंड ट्रांसफ़र हुआ ये सेटल हुए आंध्र प्रदेश में और उस टाइम उनकी जितने भी चाहे आ, उनका चाहे पोलिस ब्यूरो की बात करें चाहे उनके सेंट्रल कमेटी की बात करें चाहे स्टेट कमेटी की बात करें जितने भी उनके मेंबरान थे सभी मैक्सिमम लोग आंध्र प्रदेश हुआ करते थे और आज भी लगभग कमो उन्हीं के हाथ में है उनकी सत्ता तो निश्चित थी और जो बस्तर में आने के पीछे रीजन वही था कि एकदम बॉर्डनिंग था उसमें ऐसा कोई हमारी कोई चौकियाँ नहीं थी ना ही चाहे हम इंटर स्टेट की बात करें चाहे हमारे नेशनल हाईवे की बात करें जिससे हम उनके सप्लाई लाइन को रोक सकते इसी विषय पर आ रहा था जो आपने कहा कि इसकी शुरुआत वेस्ट बंगाल से हुई तो जब वेस्ट बंगाल से इसकी शुरुआत हुई तो अन्याय एक वजह था कि लोग उनके साथ अन्याय हुआ चाहे वो मजूमदार कानून सानी वाली इन्होंने शुरुआत की इसकी और अतिवादी एक तर्क नेतृत्व देते हैं कि उनकी लड़ा, लड़ाई जल जंगल जमीन के लिए क्या राज्य निर्माण के दो दशक के बाद भी इनकी लड़ाई जल जंगल जमीन और अन्याय के खिलाफ है इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात है उनने जो अपना मोटो जो उनका मोन मोटो था कि जो भूमिहीन लोग हैं और जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं जो भूमिहीन के प्रति जो अत्याचार कर रहे हैं उससे हमको निजात दिलाना ये उनका मोन मोटो था लेकिन बस्तर में ऐसा कुछ भी नहीं था ना पे बस्तर में ऐसा कोई लैंडलॉर्ड थे ना ही ऐसा कोई भूमिहीन लोग थे जिनकी समस्या ये कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसी का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया जैसे आपको पता होगा कि बस्तर का जो मैक्सिमम जो लैंड है फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट में भी रिजर्व फॉरेस्ट है अभी अगर रिजर्व फॉरेस्ट है तो उसमें सेंट्रल के जो नियम्स हैं वो फॉलो होते हैं और और रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार चाहे वो उसमें चराई को लेके हो चाहे बटाई को हो चाहे उसमें खेती करने वाली बात हो तो उसमें निश्चित ही फॉरेस्ट एक्ट अपना काम करती है और होना भी चाहिए क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण भी बहुत जरूरी है लेकिन इस चीज का फायदा उन्होंने उठाया अगर मान लो कोई कोई भी उस पेड में जैसे अन्नदाता वाली बात है उन लोग उनके अन्नदाता बन गया है कि चलो भाई ठीक है आप लोग फॉरेस्ट में काम करें चलो हम हम आपके हम सपोर्ट करेंगे हम, हम आपके बीच हम किसी काने नहीं देंगे ये ये छोटी छोटी चीज़ जो उनके प्रति जो खासकर जो बॉर्डरिंग जो बस्तर के थे खासकर अपना चाहे हम सुकमा डिस्ट्रिक्ट की बात करें पहले तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में था और हम बीजापुर की बात करें तो भी दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में था और दंतेवाड़ा भी आपको पता होगा कि नाइन्टी एट के पहले उसको अनडिवाइडेड एम पी में पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था उसके बाद नाइन्टी एट में वो आ, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना काफ़ी तब भी काफ़ी बड़ा एरिया था और एरिया के अलावा मैंने बताया कि उस टाइम भी अगर हम खाली दंतेवाड़ा जिला की बात करें तो उस टाइम भी दो स्टेट का बॉर्डर दो नहीं तीन स्टेट का बॉर्डर टच करता था महाराष्ट्र का आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का तीन स्टेट से कोऑर्डिनेशन करना और वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उस टाइम में थोड़ी सी उसकी कमी थी अगर मान लो मैं सोचता हूँ कि अगर जैसे इन्होंने वेस्ट बंगाल से यहाँ आए बस्तर आए और बस्तर में उन्होंने अपना जो बड़ा पहले तो आपने देखा होगा कि एक समय आंध्र प्रदेश भी जल रहा था जी बिल्कुल उस टाइम यहाँ को चाहिए था कि हम जब देख रहे हैं कि हमारा पड़ोस जल रहा था हमको उसकी व्यवस्था बनाता है बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं उस समय में चूक हुई है जी। अगर अगर अ, 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 अगर मैं आज भी बोलता हूँ जैसे कुछ समय तक छत्तीसगढ़ जला अगर छत्तीसगढ़ जल रहा था अगर मान लो हमारे जो जो नेबरिंग स्टेट है अगर वो वो पहले से जागरूक नहीं होंगे निश्चित ही सेम चीज़ उनको भी फेस करना पड़ेगा लेकिन ये चीज अच्छा रहा कि इसका विस्तार नहीं हो पाया और इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो यहाँ की व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं काफी काम किया और जो बाहर की भी जो फोर्सेस हैं उनका भी उनका भी काफी रोल रहा लेकिन मैं एक चीज़ मैं कहूँगा कि मैंने जो एक चीज़ अनुभव किया एक तो लैंग्वेज का मैंने अनुभव किया लैंग्वेज आपको मैं बस्तर की लैंग्वेज के बारे में बताऊँ मैं बस्तर में डिफरेंट टाइप का ट्राइबल लैंग्वेज है एक जो अपना कांकेर डिस्ट्रिक्ट है कांकेर डिस्ट्रिक्ट में पूरे लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं लेकिन हम जैसे ही कांकेर से हम नॉर्थ की ओर ऊपर जाते हैं तो फिर हल्वी चालू हो जाता है हम फिर हम जगदलपुर के पास पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे भतरी चालू हो जाता है फिर हम आगे हम कोंटा सुकमा की तरफ जाएं या बीजापुर की तरफ जाएं तो धोरली चालू हो जाता है हम अंतरगढ़ से नारायणपुर के ऊपर जाएं तो पूरा गोंडी तो ये अलग अलग जो लैंग्वेज है इसके अलावा फिर उनके सब लैंग्वेज भी है धुरवा धुरवा भी लैंग्वेज है माड़िया मुरिया भी अलग अलग उन लोग लैंग्वेज से बात करते हैं जो कि उन्हीं के उन्हीं के समझ समझ में है वो मैं अगर मैं कांकेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला अगर मैं कि मैं इन सब भाषाओं को जान जाऊँ तो मेरे लिए भी वो संभव नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं आ, ये सबसे बड़ी समस्या रही और उनके साथ जो लोग मिले जैसे मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल से आ, आंध्र प्रदेश है तो कहीं ना कहीं जो तेलुगु लैंग्वेज है और गोंडी ये तेलुगु और गोंडी लगभग मिलता जुलता अगर कोई गोंडी बोलना जानता है या जो जब कोई तेलुगु बोलना जानता है दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझ लेंगे सर तो एक एक मैंने एक चीज पाई जो उन लोग जो आए जो मतलब उस टाइम में जो भी आ, चाहे वो एम था या पी था जो भी उस टाइम के थे उन लोग जो यहाँ पे बस्तर में आए तो उन्होंने अपना लैंग्वेज यूज किया और लैंग्वेज को उन्होंने फायदा लिया सर ये जो लैंग्वेज बैरियर है या भाषा की चुनौती है जब पुलिस प्रशासन इंटीरियर uh, एरियाज़ में ऑपरेशन के लिए निकलता है या कह लीजिए कि जब आदिवासियों से संवाद स्थापित करने के लिए उन तक पहुँचता है तो क्या प्रशासन के सामने भी एक ये कि बड़ी चुनौती होती है अभी उसमें सबसे बड़ी चुनौती है लैंग्वेज का एक चीज़ बताइए मैं कोई भी चीज़ का जैसे मैं हूँ आप हैं अभी हम सामान्य हिंदी भाषी हैं और हिंदी से बात करें हम लोग एक दूसरे की हम लोग अपनी संपर्क भाषा भली भांति समझ रहे हैं लेकिन मैं या मैं खुद मैं मैं किसी अदर स्टेट जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं साउथ की ओर जाऊँ और मैं बोलूँ कि मैं कन्नड़ भी बोलूँगा मैं तमिल भी बोलूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है या मैं मलयाली बोलूँगा पॉसिबल नहीं है इवन मैं मराठी बोलूँगा पॉसिबल नहीं है और अगर मैं एक मैं एकदम रिमोट एरिया में जाऊँ चाहे मैं महाराष्ट्र की बात करूँ महाराष्ट्र के मैं रिमोट एरिया में जाऊँ जहाँ पे सिर्फ लोग मराठी बोलते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती है या मैं जब तक मराठी ना सीख लूँ या जब तक वो हिंदी बोलना ना जान लें बिल्कुल ये चीज़ है तो हम एक दूसरे की बात हम कैसे बता पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसको वो क्या समझ रहे हैं वो जिस जो जिस चीज़ को समझ रहे हैं मेरे को क्या बता रहा है उसको मैं भी नहीं समझ रहा हूँ ये सबसे बड़ी समस्या है आज भी उस समस्या को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ ये अलग बात है कि आज जैसे कुछ हमारे साथ वहाँ के लोग काफ़ी जुड़े जैसे हम अभी जैसा अभी वर्तमान सरकार ने बस्तर फाइटर्स का जो गठन किया उस बस्तर फाइटर में जो जवान जितने भी आए लोकल बस्तर के जो सभी लैंग्वेज से पूर्ण हैं और अभी फिर हमारी छत्तीस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी जितने भी हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इन भाषाओं को कंपलसरी किया हमारे पुलिस जवान के लिए और इवन एक एक सब्जेक्ट रखा और उस सब्जेक्ट एक पेपर भी होती है गुंडी लैंग्वेज को लेकर दोरली को लेकर तो कहीं कहीं अब जो हमारे जवान आ रहे हैं जो पहले से जो हैं वो कहीं ना कहीं इन इन भाषाओं को सीखने का कोशिश और उसमें अभी अब हमको अंदर में इस चीज़ की समस्या नहीं आ रही है लेकिन जो चीज मैं एक एक जो सबसे बड़ी जो समस्या रही है मैं अभी बता रहा हूं वो है अपना ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सर तो, मैं ये राज्य परिवहन वाले विषय पर आने वाला था जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो राज्य परिवहन की सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो गई और जो अंदरूनी क्षेत्रों में बहुत आसानी से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो जाती थी वो बंद हो गई तो क्या इस ये भी एक बड़ी चुनौती है इस बस्तर संभाग में या अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में निश्चित इसको मैं बहुत बड़ी चुनौती हूँ। आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं उस जमाने में कोंटा के इंटीरियर भेजी में राज्य परिवहन बस की नाइट हॉल थी अच्छा उस जमाने में चिंता गुफा में राज्य परिवहन बस के नाइट हालते उस जमाने में जगर गुंडा में बस ना ठालता उस जमाने में बासा बासागुड़ा में बस नहीं था ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब अनडिवाइडेड छत्तीसगढ़ की पहले ही बात। जी जैसी बना सब चीज हट गया उस टाइम जिन भी कारणों से राज्य परिवहन हटा राज्य परिवहन हटने के बाद विकल्प रूप में प्राइवेटाइज किया कम से कम प्राइवेट प्राइवेट जो भी जो भी एजेंसियाँ थी उनको आपको मैंडेटरी करना था कि आपको इन रूट पे गाड़ी चलाना ही है आपने एक बहुत बड़ा एक ब्रेक कर दिया कि वहां पर जब तक हम किसी भी एरिया में हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेके जाएंगे हम उस एरिया के हम डेवलपमेंट की बात कर ही नहीं सकते जी अगर उस जमाने में मैं, मैं सोचता तो हूँ अगर अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यू रहता है जो इतनी भयावह स्थिति हुई वो कभी ना होती जी क्योंकि वहां के लोग भी इन्हीं इन्हीं साधन भी आना जाना करते थे अब मैं एक फॉर एग्जाम्पल बताऊं अगर हम जगरगुंडा की बात करते हैं जो आज की डेट में आज भी काफ़ी काफ़ी मतलब रिमोट एरिया है लेकिन आ, उस समय में जगरगुंडा में चिंता गुफा में बस नाईटाल हुआ करता था दौरनापाल से जगरगुंडा का डिस्टेंस है सिक्सटी फाइव किलोमीटर उसके पहले चिंता गुफा चिंतल था। तो चिंता गुफा जगरगुंडा में उस उस जमाने में बस नाइटाल था और वो लोग सारे लोग दोनापाल आते थे कोंटा आते थे सुकमा आते थे जगदलपुर भी जाते थे जगदलपुर से बसें चलती थी इधर आपका दंतेवाड़ा रोड में कोर्रा करके जगह वहां पे बस नहीं ठाल हुआ करता जी लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ आज भी इन जगहों पे बस नाम की कोई चीज नहीं है ना आज भेजी में बस जा रही है ना चिंतागुपा जगरगुंडा में बस जा रही है ना आज चूंकि सुकमा से जो दंतेवाड़ा वाला रूट है जिसमें कोर्रा की बात कर रहा हूँ गादीरास के ऊपर तो वहाँ पर उस जमाने में बस नाइट हुआ करता था क्योंकि अब वो रूट एक डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक जिससे कनेक्ट डिस्ट्रिक डिस्ट्रिक कर रहा है तो अब उस रूट में कुछ बसें चालू हुई प्राइवेट वाली लेकिन ये जो पहली बार चाहे हम बासागुड़ा की बात करें बासागुड़ा जो है अभी वर्तमान बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में बीजापुर से हम आवापल्ली आएंगे आवापल्ली के ऊपर फिर बासागुड़ा फिर वही रोड अंडर कनेक्ट होता है जगरगुंडा चीज तो अगर हम रोड की कनेक्टिविटी को एकदम हम एकदम फुलफिल कर लेते हैं तो भी हम काफ़ी हद तक हम इसको नियंत्रण में ला सकते हैं इसके अलावा आपको मैं एक स्टेट हाईवे की बात करूँ एक जो स्टेट हाईवे है जो हमको आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश को कनेक्ट करता था वो स्टेट हाईवे कहीं और स्टेट हाईवे नंबर नाइन मैं आज भी मुझे याद है वो जो अपना जो छत्तीसगढ़ का जो किस्टाराम है वहां से एंटर होकर किस्टाराम से आ, आपका आ, आ, सीधा उसका जगरगुंडा जगरगुंडा से अरनपुर घाटी होके वही जो रास्ता है जो दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा से बारसूर बारसूर पल्ली धौड़ाई नारायणपुर ये आके फिर आपका अंतागढ़ अंतागढ़ से चरामा सॉरी अंतागढ़ से फिर सीधा भानु प्रतापपुर और भानु प्रतापपुर से वही सीधा कवर्धा और कवर्धा से सीधा जाके सहडोल और सहडोल से वही जाके आगे कनेक्ट होती थी इलाहाबाद जी ये स्टेट हाईवे उस जमाने के था उस पर आज भी अगर हम बात करें तो अभी अब ओरछा तक तो गाड़ियाँ जा रही हैं लेकिन जो पल्ली बारसूर वाला जो रोड है कई सालों से बंद अभी लेकिन अभी इस अभी वर्तमान सरकार ने इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है उसमें अभी पूरा काम चल रहा है और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो रोड चालू हो जाएगा और जिस दिन वो रोड चालू होगा उस दिन से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेश है एकदम बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा वही अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात करूँ एक महत्वपूर्ण रूट है जिसको बी ने पहले बनाना चालू किया था जगदलपुर से बीजापुर होकर जो आदिलाबाद जा रही है काफ़ी समय से बीच में जिन भी कारणों से वहाँ से बी को विड्रॉ किया गया उसके बाद बी के बाद फिर एन ने लिया उसको अब जाके उसमें आ, 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 आपका इंद्रावती नदी पे और उसके बाद फिर गोदावरी नदी पे ब्रिज बना ब्रिज बनने के बाद अब अब वो रास्ता अब डायरेक्ट आदिलाबाद और सीधा हैदराबाद से कनेक्ट हो रहे तो जगदलपुर वाली एक वैकल्पिक रूट मिला आपको अगर हैदराबाद जाना है तो अगर पहले क्या था या तो कोंटा होके जाए या तो फिर या तो नागपुर होके जाए लेकिन अब डायरेक्ट जिसको हैदराबाद जाना सीधा बीजापुर होके चले तो फ्लाइट की सुविधा भी होगी सेकेंड वही मैं इसका मैं ज्योग्राफी बताऊं मैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट का अगर हम ईस्ट की ओर जाएं तो ईस्ट में अपना जो आपका उड़ीसा है उड़ीसा आपका पूरा चालू हो जा रहा है आपका ऊपर आपके जसपुर डिस्ट्रिक्ट से जी जसपुर से हम आए रायगढ़ फिर हम रायगढ़ से नीचे आए तो फिर महासमुंद फिर महासमुंद से हम नीचे आए तो धम गरियाबंद गरियाबंद से नीचे आए तो धमतरी धमतरी से नीचे आए तो कांकेर कांकेर के बाद कोंडागांव फिर जगदलपुर सुकमा डिस्ट्रिक्ट ये इतने डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हम उड़ीसा को टच कर रहे सेम वैसे हम आंध्र आ गए फिर आंध्र अब तेलंगाना हो गया तो हमारा जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है वो तेलंगाना को टच कर रहा है हमारा दंतेवाड़ा का कुछ पार्ट तेलंगाना को टच कर रहा है फिर हमारे फिर बीजापुर का कुछ पार्ट तेलंगाना को भी टच कर रहा है महाराष्ट्र को भी टच कर रहा है सर ये जो इतने सारे बॉर्डर शेयर करते हैं हम छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग, अलग अतिवाद प्रभावित ज़िले हैं क्या इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी एक चुनौती है कि कोई बड़ा बड़ी घटना हुई और जो अतिवादी है वो बॉर्डर पार करके दूसरे राज्य चले गए फिर वहाँ पर कॉर्डिनेशन नहीं हुआ जिनके कारण इनके हौसले बुलंद हो गए क्या इंटरस्टेड कोऑर्डिनेशन एक चुनाव नहीं है। मैं कोऑर्डिनेशन का को, ऐसा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मैं लेक तो नहीं महसूस किया बट क्या है कि चूंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई ऐसा कोई साधन नहीं था उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया मैंने पहले बताया कि इन इन, इन सब जगहों में जैसे हम यहाँ से बात करें हम आ, अपना जो सुकमा जिले का हम तोंगपाल से हम बात करें पैरल सबरी नदी आ रही है उड़ीसा से वो सीधा जा रही है कोंटा तक एक सबरी नदी बॉर्डर आ गया सबरी नदी में एक जमाने में एक भी पुल नहीं था एक पुल फर्स्ट पुल बना सुकमा से हम जब मलकानगिरी जाते हैं झापरा करके एक जगह है झापरा के पास एक पुल बना अभी अब क्या हो गया हम डायरेक्ट कनेक्ट हो गए सुकमा से मलकानगिरी मतलब उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट और हार्डली थर्टी फाइव किलोमीटर है बगल का डिस्ट्रिक्ट वही हम फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा धोरना पाल आएगा धोरना पाल के बाद भी पुल स्वीकृत हुआ है अब कुंटा में भी पुल स्वीकृत हो गया तो अब ये तीन जगह में पुल बनने के बाद अब वहाँ के लोगों को उड़ीसा जाना एकदम ईजी है क्योंकि बॉर्डरी में आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रहता है रोटी बिटी वाले भी किस्सा रहता है एक स्टेट जो नेबरिंग स्टेट रहते हैं जैसे मान लो मैं हम आ, क्या कहने से हम चाहे कांकेर की बात करें कांकेर डिस्ट्रिक्ट की बात करें चाहे हम कुंडागांव डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो बॉर्डर में उड़ीसा के बॉर्डर में उनका जो उस एरिया में जो रह रहे हैं जो बगल के जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उससे उन लोगों का रोटी बेटी का रिश्ता चल रहा है चाहे हम इधर महाराष्ट्र में जाए तो महाराष्ट्र से चल रहा है चाहे उधर हम तेलंगाना में जाए तो तेलंगाना में चल रहा है तो अगर हम उनको रोज रोड का कनेक्टिविटी देते हैं तो ये सारी चीजें और बेहतर हो से एक मतलब सामाजिक परिवेश का दायरा भी बढ़ेगा इससे बिल्कुल बिल्कुल सर आप राजनांदगांव में बतौर पुलिस अधीक्षक पदस्थ रहे थे उसी क्षेत्र में आ, शायद ये पहली घटना थी देश में जब किसी एसपी को नक्सलवाद की घटना में उनकी मृत्यु हुई और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जैसे क्षेत्र है जो अतिवाद से प्रभावित है कैसा अनुभव रहा कोई ऐसी घटना जो आपने देखी हो अनुभव किया हो जहाँ तक मेरी पदस्थापना राजनांदगांव जिले में दो बार रही मैं एक बार एडिशनल एसपी पद पर भी तकरीबन तीन वर्षों तक वहाँ पे समय दी अपनी जी। और अभी आ, कुछ दिनों पहले वहाँ का एसपी भी रहा मैं आ, लेकिन मैं यहाँ पे राजनांदगांव में वो चीज़ मैं फेस नहीं किया जो मैंने बस्तर में फेस किया जी। जहाँ तक आप इंसिडेंट की बात करेंगे तो मैं बस्तर के इंसिडेंट के बारे में आपको बताऊंगा जहाँ तक मैं राजनांदगांव का मैं प्लस पॉइंट है कि राजनांदगांव एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट होने के बाद ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी यहाँ पे लैंग्वेज का कहीं कोई इशू नहीं है वहाँ पे हर कोई अच्छे से हिंदी जान लेता है हर कोई अच्छे से छत्तीसगढ़ी जान लेता है तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी में बहुत ज्यादा इशू नहीं है तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इस जिले में कॉर्डिनेशन की कहीं कोई कमी नहीं ना पब्लिक से ना अपने से हम जो चीज़ को बोल रहे हैं पब्लिक समझ रही पब्लिक जो चीज़ चाह रहे हम समझ रहे हैं तो ये ये बेहतर है बस्तर को जो मैंने लैंग्वेज वाले इशू बताया राजनांदगांव जिले में मैंने फेस किया कि पे लैंग्वेज का कहीं इशू नहीं है आप किसी भी गांव में चले जाएं किसी से भी बात कर लें आपसे सब चीज अच्छे से बात करेंगे सेकेंड यहां पर लोग अपने काम काम धंधे में व्यस्त हैं जैसे कि जो भी खेती किसानी वगैरह प्रॉपर कर रहे हैं और बस्तर में तो इंटीरियर में लगभग खेती किसान बंसा हो गया है जी पहले जबकि वहाँ पर भी मवेशी पालन का अच्छा खासा व्यवसाय हुआ करता था आपको मैं एक और प्रियविये बताऊं मैं जो अपना बस्तर दंतेवाड़ा का जो गिदम है गिदम एक जमाने में मवेशी का सबसे बड़ा मेला हुआ करता था मवेशी मेला और उस गिदम से सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं गिदम से आंध्र प्रदेश भी मवेशी लेके जाते थे उड़ीसा भी मवेशी लेके जाते थे महाराष्ट्र में भी मवेशी लेके जाते एक वो जमाना था आज लगभग वो जो मवेशी मिल है वो लगभग बंद हो गया जी। का। तो कई चीज़ें जो पहले था अब नहीं है जो अब हैं जो पहले नहीं था बिल्कुल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर हम बेहतर करें तो मुझे लगता है कि हम जो जो समस्या हम फेस कर रहे हैं उससे जल्दी हमको निजात मिल जाएगा आ, रही सवाल इंसिडेंट आपने पूछा कि मेरा एक्सपीरियंस तो जब मैं एस डी ओ पी कोंडा था तो मैं हम लोगों को रेगुलर में आपको बताया था कि हम लोगों को मेन एडमिन मूवमेंट को लेकर था या कभी ठोस छोड़ने जाना है लेने जाना है या हमको राशन छोड़ने जाना है तो मैंने फेस किया आ, ंटा से जब हम भेजी जाते भेजी जाने के लिए हमको पहले इंजन माना पड़ता था दस किलोमीटर और वहां से फिर बीस किलोमीटर हमको बाई फुट जाना पड़ता था क्योंकि रास्ते को जगह जगह काट दिए थे नक्सलियों ने और वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे जवानों को सर्वाइव करना और वो हम पे डिपेंड थे कि हम जब तक वहाँ पर राशन नहीं पहुंचाएंगे और उसके लिए हमारा बिल्कुल रूटीन फिक्स था हम हर हर पंद्रह से बीस दिन में उनके लिए राशन लेके जाते थे और इसी चीज़ को लोगों को उन लोग फायदा उठाते उनको पता था कि पार्टी इस दिन आई थी अब पार्टी मैक्सिमम पंद्रह से बीसवें दिन बाद फिर आएगी तो उसका उन लोगों ने फायदा उठाता था, था और उन्होंने हमारे साथ मतलब हमारी टीम के साथ लैंडमाइन भी यूज किया क्रॉस फायरिंग भी हुआ और स्पाइक होल्स भी उन्होंने यूज किया जिसको जी। अपन वो भी ट्रेप बोलते हैं इन सारे चीज़ को हमने फेस किया और चुनाव के टाइम तो इतना चैलेंजेस था जब 2008 का इलेक्शन हुआ 2008 इलेक्शन में उस टाइम मेरे को पता है एक बटालियन मिला था हमको बीएसएफ का बीएसएफ का मेरे मतलब मेरे सर्विस में फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ काम किया था मैं चूंकि उन लोग बॉर्डर में काम करते हैं और यहाँ का सिचुएशन थोड़ा दूसरा था, था। yes, और जब हमने पूरा उस एरिया का पूरा सिचुएशन मैंने उनको ब्रीफ किया था, था। पूरी जो बटालियन को और क्या क्या हमको समस्या आएगी हमको कैसे जाना है कैसे वहां तक रहे है कैसे इलेक्शन उस समय भी काफी सारी चुनौतियां थी सर एक बस अंतिम सवाल बस्तर से छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को यह लगता है कि छत्तीसगढ़ में अतिवाद की चुनौती है पर्यटन के दृष्टिकोण से और भी आपने आपका एक लंबा अनुभव है बस्तर को करीब से देखा अगर जनता को हमारे ऑडियंस को कोई आप संदेश देना चाहे कि कितना सुरक्षित है छत्तीसगढ़ खासकर बस्तर आ, मैं दूरदर्शन के माध्यम से मैं समस्त जनता यही संदेश देना चाहूँगा कि अब आइए आप बस्तर देखिए बस्तर के बारे में एक चीज़ बता रहा हूँ पहले एक नेशनल मीडिया का कोई भी व्यक्ति आए एक दिन बस्तर घुमा पूरे बस्तर के बारे में लिख के चला जाता है ये बिल्कुल आप उन पर मत जाइए आप बस्तर ही बस्तर में इतनी प्राकृतिक चीज़ें हैं आप उनको अनुभव करें मेरे को लगता है कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है चाहे वो इंद्रावती वाटरफॉल हो चाहे वो तीरथगढ़ वाटरफॉल हो इसके अलावा अभी आपने एक बहुत फेमस वाटरफॉल का नाम सुना होगा हांदावाड़ा हांदावाड़ा वाटरफॉल भी इतना मतलब अद्भुत नज़ारा आप ये सब चीज़ देख सकते हैं इसके अलावा जो कुटुमसर गुफा है और साथ ही केसकाल की जो घाटी है पंचवटी जिसको टाटा मारी और अभी आ, एक पिकनिक स्पॉट डेवलप हुआ है उसके अलावा वहाँ पे एक मारी करके वाटरफॉल है ऐसे कई असंख्य वाटरफॉल हैं जिसको हम नेचर के करीब से देख सकते हैं और यहाँ पर आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है मैं चाहूँगा कि आप आएँ यहाँ के देखें और अभी भी आप लोगों को जानकारी के बताऊँ मैं कि चाहे हांदावाड़ा में भी छुट्टियों के दिन में काफ़ी बाहर के लोग भी आ रहे हैं उड़ीसा के लोग आंध्र के लोग आके वहाँ का मतलब नैसर्गिक छटा का, का आनंद ले रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं जो भी इस समाचार को देख रहे हैं ज़रूर इन जगहों पर आके यहाँ का आनंद लें जी सर आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी तो आज की हमारी सार्थक चर्चा थी श्री प्रफुल कुमार ठाकुर जी के साथ सर ने हमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी आ, बस्तर में पुलिस प्रशासन के सामने क्या क्या चुनौतियां होती है अतिवाद के खात्मे के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है इस पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी सर बहुत बहुत धन्यवाद अगली बार फिर हम मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त जय जोहार जय छत्तीसगढ़